इस समय धर्म युद्ध हो रहा है, कभी काशी की बात तो कभी आगरा की बात तो कभी अयोध्या की बात तो कभी कहीं की बात। जब देखिए मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। आज हम बात करने जा रहे हैं काशी की, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की। कुछ दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद काफी चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की बात न्यायालय ने की है, लेकिन सर्वे की बात के बाद सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज की इस समय की बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के ज्ञानवापी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। वाराणसी में कोर्ट ने गुरुवार को ही, आज यानी कि शुक्रवार को, किसी भी कीमत पर सर्वे के साथ वीडियोग्राफी का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हुई सर्वे के कार्यवाही के बीच में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब निर्णय में समय लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की वाराणसी कोर्ट के निर्णय के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैंने पेपर देखा नहीं, पेपर देखकर बताऊंगा, अचानक यह मामला मेरे सामने आया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। उधर वाराणसी की बात कर लें तो वाराणसी में कल कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे की सर्वे होनी चाहिए, इसमें तहखाने भी शामिल हैं। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे पूरा करने के लिए दो सहायक कमिश्नर की भी तैनाती का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कहा था कि अब इस निर्णय में कोई भी बदलाव नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की भी मांग को खारिज कर दी थी। दूसरी ओर वाराणसी में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही को पूरा करने के लिए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को नोटिस जारी कर ज्ञानवापी परिसर में लगे सभी तालों की चाबियों की डिमांड की है, ताकि कार्यवाही को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही आदेश दिया है कि अगर जांच के ताले नहीं खोले जाते हैं तो उनको तोड़ दिया जाए। इस बाबत शुक्रवार को कागजी कार्य को पूरा कर ज्ञानवापी परिसर में जांच को लेकर दोनों पक्षों को सूचना उपलब्ध कराने की जानकारी प्रेषित की जा रही है। माना जा रहा है कि आज यानी शनिवार परिसर में पूरी कार्यवाही को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। तो सुबह की ये बड़ी खबर है वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद के हर एक प्रकरण को हम सीधे आप सभी दर्शकों के लिए अपडेट रखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद की हर खबर पाने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया चैनल को यदि आप किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें इस तरह से बड़ी खबरों के लिए फास्ट न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।